देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अगर आप ट्विटर यूज़र हैं, अगर आप भी ट्विटर यूज़ करते हैं तो आपको ये खबर जान लेनी चाहिए। दरअसल ट्विटर आए दिन नए नए अपडेट्स लेकर के आ रहा है और ट्विटर के फीचर्स में आए दिन नए नए बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में अब नया बदलाव भी ट्विटर ने कर दिया है और ये बदलाव जो है वो बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत बड़ी अपडेट ट्विटर ने की। तो आपको जाननी चाहिए कि अगर आप ट्विटर यूज़र हैं और अगर आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो चुके हैं तो उसके जो कलर है वो आपको ब्लू टिक जो मिलती है वो कलर अब चेंज हो सकता है। और ये कलर चेंज सबसे पहले हम आपको बताएं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का भी कलर के ट्विटर अकाउंट का कलर जो है वो चेंज हुआ है और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर ऐसे तमाम ढेर सारे नेता हैं जिनके जो कलर है वो उनके ट्विटर के अकाउंट के जो कलर है उसे चेंज कर दिया गया है। ऐसे में सबसे पहले आपको बताया जितने भी सरकारी या जितने भी नेता हैं जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके जो ट्विटर अकाउंट का जो बैज उन्हें मिला है उसका कलर चेंज हो गया है। और सिर्फ पॉलिटिशियंस का ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी भी जितने होंगे उनके भी जो ट्विटर अकाउंट में उन्हें जो बैज मिला है उसका कलर चेंज होगा। तो आपको हम बताते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज हैं कि किस कैटेगरीज के लोगों को कौन सी कलर मिल रही है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के हाथों में आने के बाद ट्विटर में लगातार नए नए बदलाव किए जा रहे हैं। हाल ही में ट्विटर पर मिलने वाले ब्लू टिक पर बड़ा बदलाव हुआ था और एलन मस्क ने ब्लू टिक के लिए पैसे देने की बात कही। इसके बाद ट्विटर पर अलग अलग संस्थाओं को वेरीफाई करने और पैरोडी अकाउंट्स की पहचान करने के लिए ट्विटर ने अलग अलग रंग के लेबल्स लॉन्च किए जिसमें अलग अलग संस्थानों जैसे सरकारी, गैर सरकारी, इंडिविजुअल और अलग अलग रंग की कलर बैज दिया गया। इसमें गोल्डन, ब्लू, ग्रे और पर्पल कलर शामिल है। यहाँ आपको बताते हैं कि किस संस्थान के लिए किस रंग को चुना गया है। तो सबसे पहले आपको बताया कि नए नियम के मुताबिक ब्लू बेंचमार्क दो लोगों के पास होगा। पहला ट्विटर के पहले वेरिफिकेशन क्राइटेरिया के तहत वेरीफाइड अकाउंट्स होंगे। इसके अलावा वो अकाउंट्स जो ट्विटर के नए ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट्स और कुछ निश्चित रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं उन्हें ब्लू टिक मिलेगा। ये बेंचमार्क बताता है कि ये अब आपको बताएं कि जो नेक्स्ट कलर जो है वो है गोल्ड कलर। तो और ये जो गोल्डन कलर होगी ये बेंचमार्क बताता है कि अकाउंट एक आधिकारिक या ऑफिशियल बिजनेस अकाउंट है जो बिजनेस के लिए ट्विटर ब्लू के जरिए संचालित हो रहा है। ये आपको बताएं कि ग्रे चेकमार्क भी मिलता है और ये जो ग्रे चेकमार्क है वो बताते हैं कि ये अकाउंट सरकारी, इंस्टीट्यूशनल या ऑफिशियल अकाउंट है। इसके अलावा ये एक मिलिट्रेटर और ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। इसमें नेशनल, लोकल क्राइसिस रिस्पॉन्स, पब्लिक सेफ्टी, लॉ एनफोर्समेंट, रेगुलेटरी एजेंसी और दूसरे मुख्य नेशनल लेवल एजेंसी शामिल हैं। इसके अलावा इस चेक मार्क में हेड ऑफ स्टेट, फॉरेन ऑफिशियल स्पोक पर्सन, टॉप डिप्लोमेटिक लीडर, कैबिनेट मेंबर्स, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स, टॉप ऑफिशियल्स और आधिकारिक प्रवक्ताओं के को ये ग्रे कलर की चेक मार्क मिलेगी। आपको बताते चले कि एक ऑफिशियल लेबल्स दी जाएगी और ये लेबल्स कमर्शियल कंपनियों जैसे बिजनेस पार्टनर्स, मेजर ब्रांड्स और मीडिया आउटलेट और पब्लिशर्स को दिया जाएगा। इसमें राज्यों की ओर से मान्यता प्राप्त मीडिया लेबल्स और उनके करीब काम करने वाले इंडिविजुअल को शामिल किया जाएगा। सरकारी लेबल्स में मुख्य देशों में डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक अकाउंट देखते हैं जहां ट्विटर ऑपरेट करता है उन्हें शामिल किया गया है। इसके अलावा इन अकाउंट्स एक छोटा सा फ्लैग भी दिया जाएगा जो बताएगा कि ये अकाउंट सरकारी है या राज्य मान्यता प्राप्त मीडिया के लिए जो है पोडियम है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये लेबल्स यूजर्स को ये बताने में मदद करेगा कि ये विशेष खाता वोट अकाउंट है और या नहीं, जब एक अकाउंट के आगे ऑटोमेटेड अकाउंट लेबल्स लगा होगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये कंटेंट खुद से जनरेटेड है या किसी मानव द्वारा लिखा गया है। अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। इसमें प्रोफेशनल कैटेगरी लेबल्स को भी शामिल किया गया है जिसमें सेल्फ सेलेक्टेड। इस लेबल के जरिए ट्विटर्स पर यूजर्स जब
प्रोफेशनल अकाउंट में खुद को बदलेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इन लेबल्स पर ट्विटर का कंट्रोल नहीं होगा और यूजर्स किसी भी टाइम प्रोफेशनल कैटेगरी को बदल सकते। एलन मस्क जब से ट्विटर के नए मालिक बने हैं, जब से नए ओनर बने हैं, तब से लगातार ट्विटर को अपडेट किया जा रहा है। और सबसे पहले जो ब्लू जो चेक मार्क मिलता था, यानी ब्लू टिक जो मिलती थी, जिससे पता चलता था कि जो अकाउंट है वो वेरीफाइड अकाउंट है या अनवेरीफाइड अकाउंट है, सबसे पहले उसमें बदलाव किया गया। और अब जो है वो जो ये चेक मार्क है, इसके कलर्स चेंज कर दिए गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट कलर किया गया। सबसे पहले आपको बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर पहले ब्लू टिक हुआ करता था, जिसे अब चेंज करके ग्रीन टिक कर दिया गया है। साथ ही साथ अमित शाह का भी जो ट्विटर अकाउंट है, इसका भी ब्लू चेक जो है वो चेंज हुआ है। और इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति का भी ट्वीट ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का जो चेक था उसे भी कलर, उसका भी कलर जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो ऐसे ढेर सारे अपडेट्स ट्विटर कर रहा है और आए दिन जो ट्विटर्स में अपडेट आ रही है उसे हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।